गुड़ आजकल हर कोई खाना चाहता है, लेकिन ज्यादातर लोगों की ये शिकायत होती है कि गुड़ में मसाला मिला होता है, केमिकल मिला होता है। लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे कि बिना किसी मिलावट का 100% नेचुरल गुड़ आखिर किस तरीके से बनाया जाता है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा गाइस, मजा आ जाएगा आपको। तो गाइस देखिए, सबसे पहले गन्ने की पूली ली गई है और ये जाएगी उस मशीन के अंदर जहां से गन्ने का रस निकाला जाएगा। पूली काट ली गई है, अब इसमें गन्ने निकाल कर डाले जाएंगे मशीन के अंदर और यहाँ से जो गन्ना जा रहा है उसका रस निकलेगा। ये जो आप नाली देख रहे हैं, इस नाली में देखिए गन्ने का रस निकल के आ रहा है। गन्ने का जो छिलका है वो पिस के इस मशीन से देखिए बाहर निकलता रहेगा, यहाँ पे इकट्ठा होता रहेगा। जितना गन्ने का रस इस कंटेनर में इकट्ठा हुआ है वो इस पाइप के थ्रू आएगा और यहाँ पे स्टोर किया जाएगा। ये भी नीचे से इसके नीचे भट्टी चल रही है, गर्म होता रहेगा यहाँ पे। आप देखिएगा जितना रस यहाँ पे इकट्ठा किया गया था, खोल दिया गया, वो यहाँ से आएगा इस कढ़ाई के अंदर जहाँ पे इसे गर्म किया जाएगा और इसकी गंदगी निकाली जाएगी। अब भैया ये क्या डाला जा रहा है इसके अंदर? इसे सुखलाई बोलते हैं। किस लिए डाली जाती है इसमें? गंदगी है। हाँ जी, हटाने के लिए काम आती है। गंदगी का जो रस आ रहा है इसमें बहुत सारी गंदगी होती है, मैल होती है, तो वो इससे निकल जाती है। तो गाइस बहुत सारे लोगों को शक होता है कि गुड़ में मिलावट डाली जा रही है, गुड़ में मसाला डाला जा रहा है, केमिकल डाला जाता है। तो केमिकल नहीं है, नेचुरल चीज है। आप देख सकते हैं ये सुखलाई का पेड़ है, इस सुखलाई के पेड़ से वो रस निकलते हैं जो गन्ने के रस में डालते हैं, तो गंदगी बाहर आ जाती है। तो गाइस देखिए सुखलाई डालने के बाद जो गंदगी है वो सारी ऊपर आ चुकी है और अब ये गंदगी इसमें से उतारी जा रही है देखिए छलनी की मदद से, और यहां से निकाल के उधर इकट्ठी की जाएगी। यहां पे कपड़ा बांधा हुआ है, इस कपड़े में देखिए सारी जो ऊपर की गंदगी है वो इकट्ठी की जाएगी, फिर इस कपड़े को बांध के लटका दिया जाएगा, रस इसमें से नीचे टपक जाएगा, जो मैली है वो अंदर रह जाएगी। मैली को जानवर खाते हैं, तो कुछ भी जो भी है मतलब गन्ने के प्रोडक्ट्स यूज हो रहे हैं, एक भी चीज सिंगल वेस्ट नहीं होती है। अब देखिएगा वहां से गंदगी निकाल ली गई है, गंदगी निकालने के बाद दूसरी कढ़ाई के अंदर डाला जा रहा है। तो ये जितना भी रस था उस कढ़ाई में वो सारा दूसरी कढ़ाई में ले आया गया है। अब दूसरी कढ़ाई में कोई 40 मिनट पकेगा और गाइस दूसरी वाली कढ़ाई में आने के बाद देखिए रस को उछाल कर तोड़ा जा रहा है कि जितनी गंदगी बची हुई है, वैसे ज्यादातर सप्लाई से निकल चुकी है लेकिन जो बची हुई है वो तोड़ने से ऊपर आ जाए। अब देखिए जो ऊपर आ गई है गंदगी उसे हाथों हाथ निकाल के वापस पुराने वाली कढ़ाई में डाल दिया जाएगा। गंदगी निकालने के बाद फिर 15 मिनट गर्म हो चुका है गन्ने का रस और आप देख सकते हैं अब इसका रंग जो है वो बदल चुका है। भैया यहाँ पे और कितनी देर गर्म किया जाएगा? अभी घंटा लग जाएगा इसमें। देखिए जैसे थोड़ा उछाला गया और इसके ऊपर और जो गंदगी आई है वो भी निकाली जाएगी। तो इस वाली भट्टी में जाने से पहले पूरा साफ कर लिया जाएगा इसको। अब इसमें गंदगी सारी खत्म हो चुकी है, अब इसे यहाँ से निकाल के दूसरी कढ़ाई में डाला जा रहा है देखिए। और यहाँ पे देखिए गन्ने का रस को गर्म होते हुए कोई 10 मिनट हो चुके हैं। अभी भैया और कितनी देर गर्म किया जाएगा इसे? अभी घंटा भर लगेगा। गाइस तो 15 मिनट और हो चुके हैं, जो गन्ने का रस है अपना अब गर्म हो के बिल्कुल पक चुका है और थोड़ी देर इसको इसे हिला हिला के यहीं पे पकाया जाएगा, फिर इसे बाहर निकाल के लाया जाएगा यहाँ पे जहाँ पे ठंडा करके इससे गुड़ बनेगा। आप देखिएगा जो ये रस है तैयार हो चुका है बिल्कुल, इसे बाहर निकाला जा रहा है, इससे अपना यहाँ पे गुड़ बनेगा। इतना बड़ा चमचा जैसी चीज है जिससे बाहर निकाला जा रहा है, वहां से निकाल के सारा इधर फैलाया जाएगा जहाँ पे इसे ठंडा किया जाएगा और फिर अलट पलट के यहाँ पे गुड़ तैयार होगा। अब गाइस 10 मिनट हो चुके हैं यहाँ पे पड़े हुए इस रस को, अगली 15 मिनट तक इस रस को ऐसे ही पलटा जाता रहेगा, धीरे धीरे ठंडा होगा और धीरे धीरे जमेगा। जब ये बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा तभी इसे काट के फिर मार्केट में सेल किया जाएगा। अब गाइस 20 मिनट हो चुके हैं, गुड़ ठंडा हो गया, जम चुका है, अब इसे उतारा जाएगा। उतार के देखिए ये वाली शेप में से बाहर निकाला जा रहा है जो कि पैक करके बाहर बेचने के लिए भेज दी जाएगी। और गाइस ये जो गन्ने का रस निकलने के बाद छिलके बचे थे ये ले आए गए हैं, अब इन्हें यहाँ पे पलट के डाला जाएगा और ये यहाँ पे सूखेंगे और जब ये सूख जाएगा इसी को ईंधन के तौर पे यूज किया जाएगा भट्टी में गुड़ बनाने के लिए। तो जो भी गुड़ बनाने का प्रोसेस है 100% सस्टेनेबल है क्योंकि इसमें एक सिंगल चीज भी वेस्ट नहीं हो रही है। गन्ने के रस से गुड़ बन जाता है, जो उसमें मैल निकलती है उससे मैली बन जाती है जिसे जानवर खाते हैं, और जो ये छिलका रह जाता है इसे सुखा के इसे ईंधन के तौर पर प्रयोग कर लिया जाता है। तो गाइस ये आ चुका है अपना गर्मा गर्म गुड़, अभी पूरी तरीके से जमा भी नहीं है, देखते हैं टेस्ट कैसा है। लाजवाब, जितना टेस्ट ठंडे गुड़ में आता है उसे आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, इतना टेस्ट गर्म गुड़ में आता है। मेरा जो पर्सनल फेवरेट है वो यही वाला फॉर्म होती है गुड़ की, जब ये पूरा जमा नहीं होता है। प्राइस है इसका 40 रुपए किलो यहाँ पे गुड़ का, और अगर आपको बिना मिलावट वाला गुड़ लेना है आप यहाँ से गुड़ ऑर्डर कर सकते हैं फौजी क्रशर से, ये गांव हिसाली में लोकेटेड है। मैं यहाँ पे नंबर डाल दूंगा, उस पर कॉल करके इनसे मंगा भी सकते हैं। मुझे इनका गुड़ बहुत पसंद आया, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा पूरे इंडिया का सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन वेजिटेरियन फूड। एंड नो मैटर वेयर यू आर आई विल फाइंड यू एंड आई विल मेक यू हंग्री।